जय श्री राम, जय माता दी की जय। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंद्रू बदारी से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरी बात ये कि सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। ये हर साल माता का जो अवसर आता है, साल में एक बार आता है, बहुत धूमधाम से और खुशी से हम मनाते हैं, और इसके अंदर सारी दिलचस्पी रखते हैं। हम सारे घर के अफराद इसको मनाने में इतनी मेहनत करते हैं, और सारे छोटे से लेके बड़े बच्चों तक जो है ना, इसके अंदर इसकी किरदार है, जो बच्चों के किरदार है, हमारे बड़ों से लेके माँ बाप बहन भाई सारे, प्रदीप कुमार की ज़्यादा मेहनत है, और इसको दिलचस्पी के अंदर लेकर हम इसको एक महीना 15 दिन 20 दिन पहले जो है तैयारी करते हैं, और ये बस माता रानी की दया है, उसकी हर साल हम मेहनत करके उसको सजाते हैं। ये उसकी कृपा है जो हम पर दया रखती है और हमें हिम्मत देती है, और हर साल जो हम ये खुशी के मौके पर इसको इजाद करते हैं, और जितनी हो सके हम सेवा करते हैं। हमें फल नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत को वो करते हैं। बड़ी जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि ऑल पाकिस्तानियों। हम लोग आज माता जी की मेहंदी मना रहे हैं सातम की, और ये हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है, और प्लस डांडिया, रास, गरबा ये सब होता है। जय माता की। जय माता की। और कैलाश भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपने मेरे को इतना बड़ा काम दे दिया तो हमारा माता के 9 दिन दशहरे को होते हैं, नवरात्रि को होते हैं, और आज शक्ति के दिन होते हैं, तो पूरे दुनिया के अंदर जो है माता के दिन बनाए जाते हैं, और हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, ये सब जो है गरबा खेलती है, माता के रास खेलती है, तो इसीलिए हम आज जो है दुर्गा की पूजा करते हैं कि भाई कब कोई भी स्त्री जो है कोई शक्ति बन सकती है, देवी बन सकती है, कुछ ना कुछ बन सकती है। इसीलिए हमारे धर्म के अनुसार स्त्री की जो है इतनी बड़ी मर्यादा बताई गई हमारे शास्त्रों के अंदर, इसीलिए इनको देवी कही गई। और इन्होंने भी जो है जैसे पुरुषों के साथ जो है माताओं ने भी जो है ऐसा बलिदान दिया है, जैसे हमारे देवी देवताओं ने किया, ऐसे माताओं को बताए जाते हैं, कई ऐसे राक्षसों को मारा गया है इन्हीं देवियों के हाथों से। तो आज हम इनकी पूजा करते हैं, 9 दिन नवरात्रि को मनाते हैं, हमारी माएँ बहनें डांडिया खेलती हैं, और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये माता के दिन बनाते हैं और बनाना चाहिए, और माता के दिन के लिए सभी को घर से निकलना चाहिए, माता के दर्शन करना चाहिए, और हमारे धर्म के अनुसार ये उपासना कलम कांड के अंदर ये माता की पूजाएँ बताई गई है, इसलिए ये होना चाहिए। जय माता। ओ साचे दरबार की।